वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे केरला स्टाइल फिश करी। दो टमाटर लेंगे, तीन हरी मिर्च, दो प्याज को छील कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेंगे। सरसों का तेल डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, दो मिनट इसे हम पका लेंगे। अब हम डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर जैसे ही मिक्स हो जाएगा, ज़्यादा पकाना नहीं है इसे, बस मिक्स हो जाए, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद मिक्सर जार में हम इसे डाल देंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर फिर इसमें हम ऐड करके इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। फिर डालेंगे इधर अदरक और लहसुन और इसे कूट लेंगे। आप चाहे तो मिक्सर में भी इसे पीस सकते हैं अलग से। अब डालेंगे सरसों तेल, राई, मेथी दाना लेंगे और इसे चटकने तक पका लेंगे। जैसे ही चटकना बंद हो जाए फिर इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे थोड़ा सा तेल में हम भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता, अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर वाला पेस्ट और इसे भून लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, ग्रेवी आप अपना अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर डाल देंगे इसमें इमली। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मछली। और इसे ग्रेवी में हम इस तरीके से डुबा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट और लो फ्लेम पे 2 मिनट पकाएंगे। अब उसके बाद ये रेडी हो चुका है, तो इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।